हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल मेनू के टेक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो डिस्क्लेमर होता है, जो डिस्क्रिप्शन में सभी बड़े यूट्यूबर लिखते हैं, ठीक, एंड ये डिस्क्लेमर क्यों लिखा जाता है, ये किस काम में आता है, ठीक, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। एंड दोस्तों, मान लीजिए आप जैसे किसी का भी म्यूज़िक यूज़ करते हो, ठीक, जैसे मैं दोस्तों नो कॉपीराइट म्यूजिक जो NCS होता है ना, मैं उसी चैनल से जो है मैं म्यूजिक डाउनलोड करके अपने चैनल में यूज़ करता हूँ, ठीक, ये बैकग्राउंड म्यूजिक इसे बोलते हैं, ठीक। अगर दोस्तों मान लीजिए अगर आपने ये नहीं लगा रखा है डिस्क्लेमर, और जैसे आप किसी का भी म्यूजिक यूज़ कर लिए, अगर आप उसको क्रेडिट नहीं देते हो ना, तो वो आपको कॉपीराइट क्लेम या फिर कॉपीराइट भी दे सकता है, ठीक, वो उसका हक बनता है, क्योंकि आप उसका जो है म्यूजिक कंटेंट जो है यूज किए हो, ठीक। एंड दोस्तों, उसके बाद अगर आपने उसको क्रेडिट नहीं दिया है, तो आपको हो सकता है वो कॉपीराइट भी दे सकता है या फिर क्लेम दे सकता है, ठीक। एंड दोस्तों, इसी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये डिस्क्लेमर ज़रूरी क्यों होता है, ठीक। एंड दोस्तों, ये अपने चैनल में लगाना चाहिए, मैं भी लगाता हूँ। आप अगर इस समय आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं कि वहाँ पर मैंने डिस्क्लेमर वहाँ पर लगा रखा है, ठीक। एंड ये कहाँ पे मिलता है, कैसे मिलता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एंड दोस्तों, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छी लगी है, तो लाइक कर देना। एंड दोस्तों, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सो दोस्तों, अगर आपको डिस्क्लेमर अगर आपको चाहिए, तो आपको सिंपली आपको क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है, ठीक। मैं क्रोम ब्राउज़र में अपने आ गया हूँ। दोस्तों, क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद आपको सर्च बार में सर्च करना है यूट्यूब डिस्क्लेमर, ठीक, या फिर डिस्क्लेमर फॉर यूट्यूब, आपको कुछ भी सर्च करते हैं। मान लीजिए मैं यूट्यूब डिस्क्लेमर सर्च किया। एंड दोस्तों, इतना सर्च करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आप देख सकते हैं, गाइडलाइंस एंड पॉलिसी, ठीक, ये जो यूट्यूब के उल्लंघन के बारे में आपको दिया गया है, ठीक। एंड यहाँ पर आप जब आएंगे, तो आपको ये एक वेबसाइट नज़र आ रही होगी, ये जो आप देख सकते हैं, ये कॉपीराइट डिस्क्लेमर अंडर सेक्शन एंड 107 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1976, ठीक, आपका यही वाला है जो डिस्क्लेमर आप डिस्क्रिप्शन में लगाते हैं, ठीक। तो आपको इसी पे क्लिक कर देना है दोस्तों। सिंपली दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं कॉपीराइट डिस्क्लेमर अंडर सेक्शन 107 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1976, ठीक, अलाउंस इज मेड फॉर फेयर यूज फॉर इतना इतना इतना, ठीक। तो आपको दोस्तों ये कॉपी कर लेना है यहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक। आप जब इसको क्लिक किए रहे होंगे ना, तो ये आ जाएगा कॉपी, ठीक। आपको इतना ही कॉपी करना है, ठीक, जितना मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है ना, आपको यही वाला कॉपी कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, आप चाहे अपने चैनल में लगा सकते हैं, ठीक, आप वीडियो के लास्ट में लगा सकते हैं या फिर वीडियो के स्टार्टिंग में लगा सकते हैं, लेकिन आपको लगाना ज़रूरी है। अगर आप बड़े बड़े यूट्यूबर जो होते हैं ना, वो नहीं लगाते, क्योंकि भाई उनका खुद का जो है कॉन्टेंट होता है, वो चाहे कॉमेडी वीडियो हो या फिर टेक्निकल वीडियो, किसी भी कैटेगरी में वीडियो हो, लेकिन वो उनका खुद का होता है, तो वो नहीं लगाते हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड दोस्तों, ये जो डिस्क्लेमर होता है ना, ये सिर्फ बेसिकली हम इसे यूज़ करते हैं, क्योंकि ये दूसरे का कॉन्टेंट खुद मैं यूज़ नहीं करता, एंड आप भी यूज़ नहीं करते होंगे। एंड ये लगाना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कहीं भी आप बाई मिस्टेक गलती किए होंगे, तो ये अगर डिस्क्लेमर लगा रहेगा ना, तो ये आपको चैनल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक। अगर आप दूसरे का कंटेंट यूज़ करते हो, तो आप उसका जो जिस चैनल का आप कॉन्टेंट यूज़ करोगे ना, तो उस चैनल का लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा, क्योंकि उसके चैनल का जब प्रचार होगा, तो आपको वो क्लेम नहीं सेंड करेगा और ना ही कॉपीराइट स्ट्राइक भेजेगा, ठीक। अगर आपका किसी का भी यूज़ कर रहे होंगे, तो आप उसका क्रेडिट दे दिए होंगे, तो आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं मिलेगा और ना ही कॉपीराइट स्ट्राइक है, ठीक। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, तो लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।